पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि अब केवल 3 दिन बचे हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान महाराष्ट्र के भाजपा बूथ प्रमुखों से चुनाव प्रचार और मतदान के दिन बूथ प्रमुखों की तैयारी की समीक्षा और महायुति के जीत का विश्वास दिलाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि जब तक मतदान का वक्त खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों का काम खत्म नहीं होना चाहिए। आगे के 3 दिन बचे हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मायावती की सरकार आएगी और एक बार फिर हम मिलेंगे। पोलिंग बूथ पर पूरी ताकत लगा दीजिए, हर एक वोटर को वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक लेकर जाइए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार में तेजी देखने मिल रही है और चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी में सभी पार्टियां अपने अपने अंतिम दांव चलने में लगी है और इसी बीच भाजपा जहां एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी के खिलाफ वोट जिहाद करने का आरोप लगा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बात भी की है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस पर वोट जिहाद का आरोप लगाया है।